सोशल मीडिया पर फ्रांस के राष्ट्रपति का ये वीडियो काफी शेयर किया जा रहा है। इसे शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि इमैनुअल मैक्रॉन को फिर से थप्पड़ मारा गया। ल्यूक रुडकोवस्की नाम के इस यूजर ने ये वीडियो इसी दावे के साथ ट्वीट किया। वहीं वायरल दावों के आधार पर न्यूज एजेंसी ANI ने ये वीडियो ट्वीट कर दिया और दावा किया कि फ्रांस के राष्ट्रपति को थप्पड़ मारा गया। कई मीडिया संगठनों ने भी ये वीडियो इसी दावे के साथ चलाया, जिसमें हिंदुस्तान टाइम्स, लेटेस्टली TV9 भारतवर्ष, अमर उजाला, वन इंडिया हिंदी, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश और फर्स्ट इंडिया न्यूज शामिल है। वहीं कुछ पत्रकारों ने भी ये वीडियो इसी दावे के साथ ट्वीट किया। इन खबरों में बताया गया है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन को थप्पड़ मारने वाली एक महिला है, जिसने ऑलिव ग्रीन रंग का टी शर्ट पहना है। हालांकि ऑल्ट न्यूज ने जांच करते हुए इन दावों को बेबुनियाद पाया। असल में ये वीडियो 2021 की घटना का है, जब फ्रांस के राष्ट्रपति को किसी ने थप्पड़ मारा था। वायरल वीडियो को ध्यान से देखने पर ये बात साफ होती है कि ये वीडियो 2021 की घटना का ही है, बस इसे दूसरे एंगल से रिकॉर्ड किया गया है। स्क्रीन पर आप वायरल वीडियो और 2021 के वीडियो में 3 सुरक्षा कर्मियों को एक जैसी स्थिति में खड़े हुए देख सकते हैं। वहीं इन दोनों वीडियो में गुलाबी रंग की टोपी पहनी इस महिला को आप देख सकते हैं। हालांकि वीडियो की लोकेशन वेरीफाई करने के लिए ऑल्ट न्यूज ने फ्रांस के एक इंजीनियरिंग छात्र से कांटेक्ट किया। इस स्टूडेंट ने हमें 2021 की वायरल क्लिप जियो लोकेट करने में मदद की। स्क्रीन पर दोनों वीडियोज में एक जैसे बिल्डिंगें दिखती हैं। इससे हम ये साफ तौर पर पता लगा पाए कि ये वायरल क्लिप 2021 में हुई घटना की ही है, बस इसे दूसरे एंगल से रिकॉर्ड किया गया है। यानी सोशल मीडिया पर किए गए दावों के आधार पर मीडिया आउटलेट्स ने ये झूठी खबर पब्लिश की कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन को किसी ने दोबारा थप्पड़ मारा। असल में हाल में शेयर किया जा रहा वीडियो 2021 की घटना का ही है।